क्या बना रही हो माँ? डोरमेट? पापा ये ऐसे लग रहा है ना कि चुड़ैल या डायन का जो हेयर होता है ना एकदम लंबा सा, वही हो रहा है। अच्छा ये तो टाइम नहीं ना। तुम लोग अपना डोरमेट बनाओ, मैं अपना काम करने जाऊँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं काफ़ी पहले उठ के रेडी हो करके, हर कुछ काम करके, ऑफिशियली सब काम करके मैं अभी बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। अभी इस वक्त बहुत बारिश थी, तेज़ बारिश थी, पर बारिश ख़त्म हो चुकी है। और जैसा कि अभी बारिश शांत हो गई है, लेकिन मौसम के अनुसार तो ऐसा बताया जा रहा है कि 2 दिन लगातार भयंकर बारिश होने वाली है। देखते क्या होता है। तो जैसे जैसे मैं कुछ भी करूँगी मैं आप सभी को दिखाती रहूँगी। तो उससे पहले मैं अभी थोड़ा कॉलिंग करूँगी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को, और बहुत सारी प्लानिंग है अभी दिसंबर मंथ की। तो मैं आपको एक वीडियो स्पेशली करूँगी कि इस मंथ में ऐसा क्या खास है जो हमें बहुत, हमारे जो बिजनेस है आरसीएम के, उसको बहुत बड़ा कर सकती है। और आप लोग मेरे कृष्णा के भी दर्शन कर सकते हैं। दादा बोल छी जेना के काल के नहीं आए ना प्रोग्राम में, तिनी की बोल लो अपना के। এই জলের জন্য আসিনি, আজকে দেখছি দেখা করছি আমি। আর বলছি আপনাকে, এমনি আরো কোন লোকের সঙ্গে কথা হয়েছে কিছু? मैं इस वक्त सजनी को फोन कर रही थी, बट ये लड़की फोन नहीं उठा रही है, क्योंकि इसके साथ मुझे कुछ प्लानिंग करनी थी। देखते कॉल बैक करेगी वो, शायद बिजी हो सकती है। पता नहीं इस वक्त क्या हो गया सबको, को मतलब कोई भी फोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आई थिंक बारिश इतनी ज़्यादा है कि सब कोई मौसम के मज़े ले रहे हैं, कोई कुछ फ़ोन उठाने के मूड में नहीं है। सब काम वाम करके आराम से लग रहा है सो गया है। कृष्ण गोविंद हरे नाथ, कृष्ण गोविंद तो इस वक्त शाम के 6:15 हो रहा है। हाँ क्या बोल रही हो? आओ क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो, बोलो। बच्चे लोग, बच्चे लोग से बात करना है तो बच्चे लोग से बात करो तुम। तो इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे। तो मेरा पूजा वूजा भी हो गया, नाश्ता वास्ता भी हो गया, और जो भी काम था सारा दिन वो सब हो गया। और आज सच बताऊँ तो आज बहुत ज़्यादा सोई हूँ, बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत ही दिनों के बाद, मतलब क्या ही बोलूँ, 1-2 महीना हो गया जो दिन में मैं कभी सोती नहीं थी। आज सोई हूँ क्योंकि वेदर इतना अच्छा था, सारा दिन बारिश होके रखी थी, तो इसलिए बहुत सुस्त सुस्त लग रहा है शरीर किस तो। चीज़ का है? वैक्सीन का, बुधवार का अच्छा। वैक्सीन है ना। आज खाने में क्या बना रही हो? सब्जी तो है, रोटी बनाएंगे। रोटी? अच्छा ठीक है। क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा नाउ मैं अभी कुछ काम करी थी लैबी में, और उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि चाय पीने जाऊँ। चाय नहीं, वेदर है तो वेदर का मज़ा तो लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैं कॉफ़ी पीने जाऊँगी। और आरसीएम में तो ज़बरदस्त की कॉफ़ी मिलती है, आप लोग को भी ट्राई करना चाहिए जो लोगों ने ट्राई नहीं किया है। तो उसका नाम है इंस्टेंट कॉफ़ी आरसीएम का, तो आप सभी लोग ट्राई करेंगे। और तो मैं वही पीने ही जा रही हूँ, और उसके बाद फिर सोच रही हूँ वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करती हूँ, क्योंकि इसके बाद भी मेरा और भी कुछ काम है, तो उसमें मैं बिज़ी हो जाऊँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप सबसे फिर मिलते हैं हम एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल पे ऐसे ही आप सभी बने रहें।